7:30 की बड़ी खबरें। योग दिवस 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज। दुनिया भर आज मनाया जा रहा योग दिवस। भारत समेत दुनिया भर में योग के कार्यक्रम। देश भर में योगाभ्यास कर मनाया योग दिवस। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में किया योग। गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी ने किया योगाभ्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंस विक्रांत पर किया योग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में किया योग। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के हमीरपुर में किया योग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुग्राम में किया योग। उत्तराखंड के सीएम धामी ने हरिद्वार में किया योगी। सीएम धामी ने पतंजलि योग पीठ में किया योग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नोएडा में किया योग। नोएडा स्टेडियम में स्मृति ईरानी ने किया योगाभ्यास। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स में किया योग। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने राजभवन में किया योग। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी राजभवन में किया योग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किया योग। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जबलपुर में किया योग। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने जबलपुर में किया योग। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने रेजिडेंसी में किया योग। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी किया योग। स्वतंत्र देव ने गोसाईगंज के गगागंज में किया योग। रही है पूरे देश में घर घर आज योगा का कार्यक्रम हो रहा। स्वाभाविक रूप से भारतीय संस्कृति की रीढ़ योग है और उस योग को पूरे दुनिया में पहुंचाने का काम जो मोदी जी ने किया है उनको हम अपनी तरफ से पूरे देश की जनता की तरफ से अयोध्या के संतों की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। योग से जहाँ मन शरीर जहाँ स्वस्थ रहता वहीं मन और विचार भी स्वस्थ रहते हैं और इस कारण योग प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन करना चाहिए। धन्यवाद। आप लोग जो भी बसों से निर्धारित बसों से आए हैं कृपया अपने अपने बसों को जाएंगे। कोई भी योग साधक भाई बहन इधर उधर नहीं घूमेंगे अन्यथा छूट जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत सबको शुभकामना। और हमारे प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुसार आज पूरी दुनिया योग कर रही है और अपने शरीर और मन को स्वस्थ कर रही है। हमारी भारतीय संस्कृति का पूरी दुनिया को आज योग एक अनुपम उदाहरण अनुपम उपहार बनकर उभरा है और इससे इससे पूरी दुनिया लाभान्वित हो रही है। दुनिया के सारे देश आज योग के प्रति जागरूक हैं और योग करके अपने शरीर और मन को स्वस्थ कर रहे हैं। माध्यम से अपनी चेतना और स्पिरिट को स्वस्थ करके एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। आज नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसके लिए जनपद अयोध्या के वासियों को जिला प्रशासन की ओर से सभी नागरिकों की ओर से बधाई देता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण है योग की जो परंपरा हमारे संस्कृति में रही है वो लोगों को निरोग काया रखने के लिए है और बहुत रूप से एक महत्वपूर्ण है कि ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा तो आप बेहतर कार्य कर सकते हैं, लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं। इसलिए योग बहुत महत्वपूर्ण है और आज के दिन हम लोग सभी को प्रण होना चाहिए कि अपने कार्यस्थल के अलावा भी आप जहाँ पे अभी आपको मौका मिले घर पे आप जो लोकेशन चिन्हित करते हैं वहाँ योग जरूर करें। और हम लोग प्रयास करेंगे जनपद स्तर पे कि कुछ परमानेंट सेंटर्स रखें उसमें और जो चाहें वहाँ पे योग कर सकते हैं और उसमें एक ट्रेनिंग लेने के बाद फिर अपने घरों में भी कर सकते हैं। तो इसलिए योग की जो परंपरा है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है और सभी को अपने दिल में उसको सहयोगने की आवश्यकता है। और आज विश्व देख रहा है कि योग का क्या इफेक्ट आया है, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहा है और इसको रोग से लड़ने में भी इसकी क्षमता सिद्ध हुई है और इसको हम लोग आगे बढ़ाना है।